हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल का कॉम्बिनेशन है। आपने ड्रॉपडाउन के बारे में तो सुना ही होगा, तो यहाँ पर हम एक्सेल 365 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो आइए देखते हैं ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, क्या क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेस पर क्लिक किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 है, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 है, यहाँ लिखा भी हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका सिनेरियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 का, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर वापस क्लिक करते हैं और एक्सेल को भी तो ओपन करना है। तो ये है एक्सेल और ये है एक्सेल 365। तो एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 ओपन किया, दूसरा एक्सेल 365, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैंक वर्कबुक आ रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। अब यहां पर क्या करूंगा, लिखूंगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। ये एक्सेल है जो कि एक स्प्रेडशीट होता है, क्या होता है ये स्प्रेडशीट, ठीक है। एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हमने नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट्स। सेल एड्रेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सेल एड्रेस अगर आपका नहीं तैयार है तो हमारे चैनल पर जाके वो वीडियोस देख लीजिए, सेल एड्रेस वाला एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, और नेम ऑफ प्रोडक्ट्स में ड्रॉप डाउन हमें चाहिए, क्या चाहिए ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या करेंगे, जितने एरिया में ड्रॉप डाउन चाहिए उतना एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें इतने एरिया में ड्रॉप डाउन चाहिए, तो इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके कहां जाएंगे, डेटा टाइप पे जाएंगे, और डेटा टाइप पे जाके कहां जाएंगे, यहां से डेटा वैलिडेशन पे जाना है, और ये देखिए ये आ जाएगा डेटा वैलिडेशन। तो बस इसी पे क्लिक कर दीजिएगा, तो क्लिक करते ही ये आएगा डेटा वैलिडेशन का टैब आएगा। तो यहां पर एनी वैल्यू दिया गया बाय डिफॉल्ट, इसे हमें हटाना है, यानी ये एरो पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरीके के इतने ऑप्शन खुल जाएंगे, और यहां पे इसे बनाइएगा लिस्ट, और लिस्ट बना करके यहां पर अब प्रोडक्ट के नेम लिखते चले जाइए। जैसे यहां हमने लिख दिया कीबोर्ड, कॉमा देके फिर लिखिए अगला माउस, फिर कॉमा देके लिखिए अगला मॉनिटर, फिर कॉमा देके अगला लिखिए, यहां पर कॉमा देकर के ही आपको लिखना है HDD यानी हार्ड डिस्क, SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसी तरीके से RAM, RAM कर देते हैं RAM, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ये कर देते हैं USB, ये हो गया। तो इस तरीके से और भी चीजें आप ले सकते हैं यहां पर, जो है एक चीज और मैं यहां पे लिख देता हूं मदरबोर्ड, MOTHERBOARD, ये हो गया मदरबोर्ड। तो ये बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे एंटर करवा ली हैं, अब यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने पे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखेगी, ऐसी ही ड्रॉप डाउन हमें कहाँ बनानी है, एक्सेस में बनानी है। तो एक्सेस में क्या तरीका होगा, यहाँ से यहाँ पे तो हमने बना लिया, लेकिन एक्सेस में कैसे हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो एक्सेस में भी बहुत सिंपल है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। तो ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। और यहां पर अब हम क्या करते हैं, यहां पे प्राइस दे देते हैं, अभी हम एक्सेस पे भी चलते हैं, लेकिन पहले यहां प्राइस दे देते हैं और फिर यहां टैक्स दे देते हैं, TAX टैक्स हो गया, ठीक है। प्राइस के बाद हमें क्या देना है, टैक्स देना है, तो ये डिफरेंट सेल में जाएगा। इसको यहां से मैं क्या करता हूं, कट कर लेता हूं, और कट करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ये डिफरेंट सेल में ही जाएगा। तो ये हो गया, और यहां पे ये जीरो आ गया, इसे हटा देता हूं। अब क्या करना है, यहां पर आपको टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया टोटल, और यहां पर हम प्राइस भी लिख देंगे, तो ये हो गया टोटल अंडरस्कोर प्राइस। तो टोटल प्राइस कितनी आएगी, वो यहाँ पे आएगी, और फिर यहाँ पर जो है टैक्स अमाउंट आएगा, क्या आएगा टैक्स अमाउंट, टैक्स अंडरस्कोर AMOUNT, तो टैक्स अमाउंट हो गया। तो टोटल प्राइस के बाद आ गया टैक्स अमाउंट। अब टैक्स अमाउंट आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे प्राइस डालना है। तो जो भी प्राइस है इस सेल को, इतने दूर में हम क्या बना देते हैं इसे, इतने दूर में हम इसे करेंसी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे करेंसी, तो होम टैब पे जाएंगे, और होम टैब पे जाकर क्या करना है आपको, जैसे ही होम टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जनरल, ठीक है। तो जनरल को आप बना दीजिएगा करेंसी, बस काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर टैक्स यहाँ पर आएगा, ठीक है, टैक्स क्या होगा यहाँ पर आएगा। तो टैक्स यहाँ पर आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इतने दूर को सेलेक्ट करते हैं, जहां तक आपको टैक्स चाहिए वहां तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल हमें इतना ही चाहिए तो इतना ही सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर डेटा टैब पे जाकर के क्या करना है आपको, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, और यहाँ पर आप जाकर के इस तरीके से लिस्ट इसे बना लीजिए, ठीक है। और लिस्ट बना करके यहाँ पर टैक्स अमाउंट डालते जाइए, जैसे 5% हो गया, कॉमा 10% हो गया, कॉमा 12% हो जाएगा, इस तरीके से जितने भी टैक्सेस के स्लैब आप डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं, 18% कर देते हैं, 21% कर देते हैं, और 28% कर देते हैं, ठीक है। तो ये इतने टैक्सेस हमने डाल दिए यहाँ पर, और ये ड्रॉपडाउन बन जाएगा आपका, कैसे, यहाँ पर देखिए ये ड्रॉपडाउन बनकर के तैयार, ठीक है। तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो,
ठीक है। और यहाँ पे प्राइस डालनी है तो ₹300 यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। कीबोर्ड की प्राइस ₹230 यहाँ पे डाल दिया हमने, मॉनिटर की प्राइस 5,000 यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। हार्ड डिस्क की प्राइस यहाँ पे डाल देंगे तो हार्ड डिस्क मान लीजिए कि ₹2,000 का है तो यहाँ पे डाल दिया। और ये HDD नहीं बल्कि SSD होगा यहाँ पे, ये गलती से HDD आ गया, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से हम चेंज कर लेंगे, इसको SSD कर लेंगे, ठीक है। तो SSD ₹3,000 की है तो यहाँ पर ये डाल दिया हमने। अब यहाँ पे टैक्स के स्लैब आएंगे और टोटल प्राइस आएगा, लेकिन टोटल प्राइस कैसे आएगा, हमने क्वांटिटी तो डाला ही नहीं है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एक और इंसर्ट करा लेते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी इंसर्ट करा लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी हमें यहाँ नहीं चाहिए, ठीक प्राइस के बगल में चाहिए। तो प्राइस के बगल में क्वांटिटी लाने के लिए इस सेल पे क्लिक करके और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके पहले वाले सेल में इंसर्ट कराना है तो उसी सेल को सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्वांटिटी की बात है तो यहाँ QTY लिख देते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं, 6-7 जो भी क्वांटिटी हो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। और जैसे ही क्वांटिटी डालेंगे तो अब यहाँ पर एक बार फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ देखिए टोटल जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं क्वांटिटी से तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्राइस आ जाएगा। ये टोटल प्राइस आ भी गया और यहाँ पर टैक्स के स्लैब्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 12 हो गया, यहाँ पर कुछ और कर देते हैं, इस बार 28 कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 18 कर देते हैं, यहाँ पे कुछ और कर देते हैं 21 या कुछ 28 कर देते हैं। तो ये देख लीजिए इस तरीके से, अब ये टोटल प्राइस एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया तो डबल क्लिक कर देंगे तो ये सबका आ जाएगा। अब टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है तो इज इक्वल टू का निशान लगा करके टोटल प्राइस में ही हमारा टैक्स छिपा होगा, तो टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, यानी D2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ₹216 आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा ये तो डबल क्लिक करेंगे तो सब आ जाएगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब यहां पर कंट्रोल ए करके और यहाँ अल्ट HBA कर लीजिएगा, ये बॉर्डर लग जाएगा। तो ये तरीका है एक्सेल में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की क्या कहानी है, तो यहां पर एक्सेस को ओपन करिए और ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और यहां से आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जो भी डेटाबेस का नाम आप चेंज करना चाहते हो, वैसे फिलहाल मैंने तो बाय डिफॉल्ट ही रख दिया है। अब यहां से व्यू पे जाना है, व्यू पे जाइए, ठीक है। व्यू कहां दिखेगा आपको, ये टेबल फील्ड में दिख जाएगा। अगर आप 2007 इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यहाँ होम टैब में भी व्यू नजर आता है, तो आप यहां से क्लिक करके और डिजाइन व्यू पे जा सकते हैं। यहां पर टेबल को नाम देना है प्रोडक्ट, कोई भी नाम आप दे सकते हैं आपकी इच्छा। ये टेबल बन रही है, इसके पहले डेटाबेस बना था, तो ये हो गया। अब ये जो है प्राइमरी की है और प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है। कैसे पता प्राइमरी की है, क्योंकि यहां पर एक देखिए की सी बनी हुई है और यही डिफरेंशिएट करता है किसको, स्प्रेडशीट को डेटाबेस सॉफ्टवेयर से यही डिफरेंशिएट करता है। तो यहां पर आईडी ही रहने देते हैं, हम यहां पे आईडी कर देते हैं और इसका देखिए अलग अलग डेटा टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें देखिए कितने सारे डेटा टाइप्स हैं, देख रहे हैं, तो इतने सारे डेटा टाइप्स जो है आपको देखने को मिल जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, ठीक है। अब यहां आते हैं, अब यहां क्या करेंगे, यहां पर सेम वही चीज बनाना है हमें, तो यहां लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अंडरस्कोर लगा के लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पर प्रोडक्ट के लिए अगर ड्रॉपडाउन बनाना चाहते हैं तो यहां से बना सकते हैं, ठीक है। यहां से लुकअप विजर्ड पे जाके आपका ड्रॉपडाउन बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट कर देते हैं और बहुत लंबी ड्रॉपडाउन नहीं बनाएंगे, तो ये हो गया कीबोर्ड, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिए, BORD होता है, तो ये हो गया कीबोर्ड। और फिर यहां पे हो जाएगा अगला माउस, MOUSE, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्या होगा, तो यहां पर HDD यानी हार्ड डिस्क की बात करेंगे, हार्ड डिस्क, ठीक है। और फिर यहां पे SSD हो जाएगा, ये हो गया SSD। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां पर क्या देना है, तो SSD के बाद यहां पर हम दे देते हैं मदरबोर्ड, ठीक है, क्लियर है ना। ये हो गया मदर और ये हो गया बोर्ड, तो मदरबोर्ड हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है। अब यहां से नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और ये काम हो जाएगा। ये देखिए ये आपका ड्रॉपडाउन बनकर तैयार। अब यहां पर प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस का डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, तो यहां पर प्राइस का डेटा टाइप यू शुड बी कीप हियर ऑलवेज करेंसी डेटा टाइप, करेंसी आपको रखना चाहिए, ठीक है, करेंसी रखिएगा। और यहां पर क्वांटिटी कर देते हैं, तो ये हो गया क्वांटिटी, तो क्वांटिटी जो भी है, ठीक है। और यहां पर क्या करते हैं, नंबर रख देते हैं, और यहां पर जैसे ही आता है तो टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्राइस आएगा कैसे बेटा, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे आएगा। यहां पर हम आते हैं और यहां पर चूंकि एक्सेल 365 है तो बहुत इजी है, चाहे आप एक्सेल 365 यूज कीजिए, चाहे एक्सेल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 यूज कीजिए, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 यूज कीजिए, 2019 यूज कीजिए, 2016 यूज कीजिए, 16 से स्टार्ट होता है ये डेटा टाइप जो मैं यूज करने वाला हूं। तो यहां पे देखिए ये मिल जाता है आपको कैलकुलेटेड, उससे पुराना वर्जन है तो उसमें कैलकुलेटेड नहीं मिलेगा, तब आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो यहां पे हम कैलकुलेटेड इस्तेमाल कर लेते हैं,
तो ये कैलकुलेटेड पर जाकर के एक्सप्रेशन बिल्डर को ओपन किया है और स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट आपको बनाना है और प्राइस को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है किससे, क्वांटिटी से। तो ये हो गया, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल प्राइस हमारा आ जाएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करके ओके कर दीजिए और एक मिनट, अब देखिए यहां पर टैक्स हमें लगाना है तो टैक्स के लिए भी ड्रॉप डाउन बनाना है, तो यहां पर ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, तो वही तरीका है कि पहले तो हम यहां क्या करते हैं, यहां पर रख लेते हैं नंबर और इसे क्या बना देते हैं, डबल बना देते हैं, डबल, ठीक है, ये डबल बना दिया। तो डबल बना देने से क्या फायदा है, डबल बना देने से ये फायदा है कि जो भी एंटर करेंगे वो डेसिमल में एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे अच्छा तरीका ही है ड्रॉप डाउन बनाना, मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाना है। अब यहां पर आप क्या करिएगा, इसका फॉर्मेट रख दीजिएगा परसेंटेज, ठीक है, यहां पर देखिए ये आएगा परसेंट, तो ये परसेंट रख दिया, अब काम हो गया आपका, ठीक है। अब कैसे काम हो गया, देखिए यहां पर अब क्या करना है आपको, यहां पर आपको टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये लिख दिया टैक्स अंडरस्कोर अमाउंट, तो ये हो गया टैक्स अमाउंट। और टैक्स अमाउंट जैसे ही लिखेंगे तो यहां पर आएंगे ना, तो यहां पर टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, जरा सोचिए, कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेने से, और कैसे कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेने से ही कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहां पर टोटल जो प्राइस है इसी में हमारा टैक्स छिपा होगा, तो टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, क्वांटिटी से, तो क्यू टी वाई, ये क्वांटिटी लिख दिया हमने। अब बस इसको बंद करके और यहां से ओके कर दीजिए, ठीक है, और बस काम हो गया आपका, व्यू पे क्लिक कर देंगे और यहां से यस कर देंगे, तो ये काम हो गया, ये आपका सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो गया, ठीक है। यानी एक्सेल में आपने देखा किस तरीके से है ये, यहां पर आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते आईडी में, लेकिन एक्सेल में क्या है, एक्सेल में आप डुप्लीकेट डाल सकते हैं, यानी की फैक्टर नहीं है यहां पे, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो की फैक्टर है, ठीक है, यानी इसमें प्राइमरी की, फॉरेन की, इस तरीके की कीज मौजूद है। अब देखिए ये ड्रॉप डाउन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ कीबोर्ड हमने ले लिया, इसका प्राइस डाल देते हैं, तो देखिए इसका प्राइस है मान लीजिए 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपए डाल दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी हम ले लेते हैं 56, तो यहाँ देखिए टोटल और टोटल अमाउंट, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कुछ आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल प्राइस से, यहाँ पर देखिए ये टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन ये हमने गलती कर दी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये चूंकि टैक्स अमाउंट वाला फील्ड है, तो यहाँ पे आपको टोटल जो है प्राइस को क्वांटिटी से नहीं बल्कि टैक्स से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, टैक्स से, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टी ए एक्स कर देते हैं टैक्स, जैसे ही ये हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है, सीधा व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, तो देखिए यहां पर सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे मैंने कीबोर्ड डाला है, और ये तो प्राइमरी की है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता है, और जबकि एक्सेल में ऐसा नहीं होता है, तो यहां पर टोटल प्राइस आपको दिख रहा है लेकिन टैक्स नहीं दिख रहा है, तो टैक्स यहां पर डालते हैं ना 5% कर देते हैं, तो ये 5 लिखा हमने, केवल 5 लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, और 5% के हिसाब से यहां टैक्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है। आप इसको एक्सेल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 22,400 रुपए का 5% कितना होता है, तो देखिए मैं यहां पर कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको, देखिएगा जरा ध्यान से, 22,500 रुपए कितने हैं, 100 कर दिया था मैंने, यहाँ पे 22,400 रुपए है, तो यहाँ पे 400 किया तो कितना आ रहा है, 1120 आ रहा है, और यहाँ कितना आया है, देखिए 1120 आया है कि नहीं आया है। अब हम वापिस आते हैं यहां पर, और यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट इंटर करते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट आईडी अपने आप आती चली जाएगी, देखिए ये ऑटो नंबर की खासियत है, और यहाँ माउस कर दिया, तो मान लीजिए माउस 250 रुपए का एक है, तो यहाँ 250 रुपए डाल देते हैं, और तब यहाँ पर जादू देखिए, ये देखिए यहाँ पे 66 जो है माउस जो है, यहाँ पर बात करते हैं उसकी, और यहाँ पर इस बार क्या करते हैं, इस बार 18% कर देते हैं, टैक्स क्या लगा दिया 18%, सिर्फ आपको समझाने के लिए, टैक्स अमाउंट कितना आया है 2970 रुपए, 2,970 रुपए, 2,970 रुपीज कितने पे आया बेटा, तो यहाँ पे 16,500 रुपए का 18% टैक्स कैलकुलेट किया। आइए एक्सेल में करके दिखाता हूँ, 16,500 रुपए है ना, तो 16,500 मल्टीप्लाई बाई 18%, देखिए सेम अमाउंट आएगा, और इस तरीके से आप ये करो, 2970 रुपए आ रहा है, तो यहां पे एक बार चेक करते हैं कितना है ये, ये देखिए 16,500 है, 2970 रुपए टैक्स आया हुआ है यहां पर भी। तो दोनों में करने का तरीका मैंने बता दिया, मुझे लगता है कि एक्सेस आपको ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।